नमस्कार, satyahindi.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की हत्या और कथित रेप केस में बच्ची की मां ने की दोषियों को फांसी देने की मांग। बच्ची की मां ने कहा कि अभियुक्त असलम ने अपने खुद की 4 साल की बेटी के साथ भी किया था बलात्कार। ममता बनर्जी ने विद्यासागर की प्रतिमा को बदलने का किया ऐलान, कहा 11 जून को 1:30 बजे बदली जाएगी प्रतिमा। लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के लोगों और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प के वक्त लोगों ने तोड़ दी थी विद्यासागर की प्रतिमा। लोकसभा चुनाव 2019 में केरल की वायनाड सीट पर जीत दर्ज करने के बाद राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर पहुंचे। केरल के 3 दिवसीय दौरे पर गए राहुल गांधी ने इस दौरान मलप्पुरम में रोड शो भी किया। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोर्जी से की मुलाकात। 2 दिन की भूटान यात्रा पर गए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। तेलंगाना में 12 कांग्रेसी विधायकों के टीआरएस में शामिल होने को लेकर स्पीकर को सौंपे गए पत्र पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, तेलंगाना में जो कुछ भी हुआ वह पैसे की ताकत के कारण संभव हुआ। उन्होंने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन यह सत्तारूढ़ पार्टी और वहां के सीएम द्वारा लाए गए नए पैटर्न की वास्तविकता दिखाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हॉकी ओलंपियन असलम शेर खान ने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के लिए राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा वो 2 वर्ष के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के लिए तैयार है। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करेगी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। केंद्र के पत्र पर दिल्ली के सीएम ने लिखा, हमारी योजना आपसे 10 गुना बड़ी और व्यापक है। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना में 5 लाख तक का ही इलाज है, जबकि राज्य की योजना में कोई सीमा नहीं है। भाजपा सांसद और मालेगांव ब्लास्ट अभियुक्त प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज मुंबई स्पेशल एनआईए कोर्ट के सामने हुई पेश। जज के सवाल पूछने पर उन्होंने हर सवाल के जवाब में कहा कि मुझे नहीं पता है। जज के पूछे जाने पर कि अब तक की जांच में सभी गवाहों ने कहा है कि 29 सितंबर 2008 को एक धमाका हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, इस मामले में आपका क्या कहना है, जिस पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उनको पता नहीं है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच बढ़ रही है लगातार तल्खी। अब ममता बनर्जी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। इससे पहले ममता ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होने से कर दिया था मना। आंध्र प्रदेश कैबिनेट में होंगे 5 उप मुख्यमंत्री। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और कापू समुदाय से बनाए जाएंगे उप मुख्यमंत्री। वाईएसआरसीपी के विधायक मोहम्मद मुस्तफा शेख ने दी जानकारी। उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 86.18 अंकों की तेजी के साथ 39,615.90 पर बंद हुआ, तो निफ्टी ने भी 21 अंकों की बढ़त के साथ 11,864.75 के स्तर पर बंद किया कारोबार। विश्व कप में 3 बजे से पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच में बारिश ने डाली बाधा, नहीं हो सका टॉस। दोनों ही टीमों ने अपने दूसरे मैच में जीत के साथ आगे बढ़ाया है मिशन। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट की सबसे प्रबल दावेदार इंग्लैंड को 14 रनों से हराया था, तो श्रीलंका ने छुपा रुस्तम अफगानिस्तान को 34 रनों से दी थी मात। फ्रेंच ओपन के पहले सेमीफाइनल में राफेल नडाल ने रॉजर फेडर को दी शिकस्त। 6-3, 6-4, 6-2 से सीधे सेटों में जीतकर फाइनल में पहुंचे स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए satyahindi.com के साथ।